हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। इंटरव्यू क्वेश्चन के इस सीरीज में हम बात करेंगे आज के वीडियो में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैनेज कोड एंड अनमैनेज कोड। ये क्वेश्चन क्या होता है, ये आपको बहुत कॉमनली इंटरव्यू में पूछा जाता है। बेसिकली अगर बात करें एंटिटी फ्रेम बेसिकली फ्रेमवर्क की, तो डॉटेड फ्रेमवर्क की, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ अराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं जे डिफरेंस क्या है मैनेज कोड और अनमैनेज कोड में। तो पहले बात करें मैनेज कोड या अनमैनेज कोड, दोनों की बात कर लेते हैं। अगर मैनेज कोड की बात करें तो इट इज क्यूड बाई मैनेज रन टाइम इन्वायरमेंट और मैनेज बाई CLR। बेसिकली ये क्या होता है, ये रन होता है बेसिकली मैनेज इन्वायरमेंट में। बेसिकली कहने का मतलब है जो CLR मैनेज करता है। ठीक है, अगर वही बात करें अनमैनेज कोड की, तो इज क्यूड डायरेक्टली बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम। अनमैनेज कोड क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू डायरेक्टली रन होता है। इट्स प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द एप्लीकेशन रिटन इन .NET फ्रेमवर्क। मैनेज कोड क्या होता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से जो हमारे .NET फ्रेमवर्क में लिखा गया है। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी टू द एप्लीकेशन। बेसिकली अनमैनेज कोड क्या होता है, जो कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। अगर मैनेज कोड की बात करें तो मेमोरी बफर ओवरफ्लो डज नॉट अकर, क्योंकि मैनेज कोड में क्या होता है, मेमोरी ओवरफ्लो नहीं होता है। वही बात करें अगर अनमैनेज कोड की, तो मेमोरी बफर ओवरफ्लो में अकर्ड हो सब में भी हो भी सकता है। ठीक है, तो अगर मैनेज कोड की बात करें तो इट प्रोवाइड रन टाइम सर्विस लाइक गार्बेज कलेक्टर, एक्सेप्शन हैंडलिंग ETC। क्या करता है, जो रन टाइम सर्विस लाइक गार्बेज कलेक्टर और एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारी चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। लेकिन लेकिन अगर बात करें अनमैनेज कोड की, तो इट डज नॉट प्रोवाइड रन टाइम सर्विस लाइक गार्बेज कलेक्टर एक्सेप्शन। ये क्या करता है, जो अनमैनेज कोड गार्बेज कलेक्टर और एक्सेप्शन हैंडलिंग इसको प्रोवाइड नहीं करता है। अगर वहीं बात करें मैनेज कोड की, तो इट सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इन द इंटरमीडिएट लैंग्वेज नोन एज IL, MSIL और CL। इसका जो सोर्स कोड होता है, जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज में पहले कंपाइल होता है IL के थ्रू, जैसे IL क्या होता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज, MSIL और CLI। वही बात करें कोड डायरेक्टली कंपाइल इनटू नेटिव लैंग्वेज, क्या होता है अनमैनेज कोड में, कोड डायरेक्टली क्या होता है, नेटिव लैंग्वेज में कंपाइल होता है, जबकि इसमें डायरेक्टली नेटिव लैंग्वेज में कंपाइल नहीं होता है। पहले IL, MSIL और CIL बेसिकली इन तीनों में से बेसिकली इंटरमीडिएट लैंग्वेज में जाता है, और इंटरमीडिएट लैंग्वेज से देन नेटिव लैंग्वेज में जाता है। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड लो लेवल एसेस टू द प्रोग्रामर। मैनेज कोड क्या करता है, लो लेवल एसेस प्रोग्रामर को प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि अनमैनेज कोड क्या करता है, लो लेवल एसेस प्रोग्रामर के लिए प्रोवाइड करता है। मेमोरी इज मैनेज बाई CLR गार्बेज कलेक्टर। अगर मैनेज कोड में बात करें तो जो उसका मेमोरी होता है वो गार्बेज कलेक्टर के द्वारा क्या होता है, मैनेज होता है। लेकिन अगर अनमैनेज कोड की बात करें तो मेमोरी इज मैनेज बाई प्रोग्रामर। मेमोरी कौन मैनेज करता है, प्रोग्रामर मैनेज करता है। इसका क्या होता है, जो मैनेज कोड का परफॉर्मेंस स्लाइटली स्लोअर होता है ड्यू टू ओवरहेड मैनेजमेंट और जीट कंपाइलेशन। बेसिकली अगर बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट और जीट कंपाइलेशन को से हमारा क्या होता है, थोड़ा सा स्लोअर होता है स्लाइटली। इसका परफॉर्मेंस फास्ट होता है क्योंकि डायरेक्टली एसेस करता है सिस्टम रिसोर्स को एंड कंपाइल्ड मशीन टू स्पेसिफिक कोड। बेसिकली अगर डिबगिंग की बात करें तो मैनेज कोड में CLR के थ्रू CLR के थ्रू क्या करता है, डिबगिंग करता है, जबकि इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, कोई CLR नहीं होता है। बेसिकली अगर मैनेज कोड की बात करें तो मैनेज कोड में क्या होता है, CLR इंस्टॉलेशन बेसिकली क्या होता है, जिस भी मशीन पर हम कंपाइल कर रहे हैं वहाँ CLR इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अनमैनेज कोड में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैंडर्ड एक्जीक्यूटेड ड्यूरल फाइल होती है, बेसिकली तरह की ड्यूरल फाइल होती है जो हमारी रन होती है। अगर मैनेज कोड की बात करें तो ये .NET बेसिकली इंप्लीमेंट वेल और बेसिकली .NET लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड इंटरपरेबिलिटी इन .NET लैंग्वेज। बेसिकली अगर बात करें मैनेज कोड की, तो रन एनी प्लेटफॉर्म डेट हैज CLR इंस्टॉल। बेसिकली क्या होता है जी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसको रन कर सकते हो जहाँ CLR आपका इंस्टॉल है। लेकिन अगर मैनेज कोड की बात करें तो ये हमारा स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर ही रन होगा। ठीक है, अगर समराइज किया जाए इस चीज़ को, तो बेसिकली क्या होता है, द मैनेज कोड मैनेज बाय CLR। अगर सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करें तो मैनेज कोड कौन मैनेज करता है, CLR मैनेज करता है। CLR क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता है, इसको क्या कहता है, मैनेज कोड कहा जाता है। दिस कोड रन इन साइड CLR क्या होता है, जो भी हमारा कोड होता है वो CLR के इन साइड रन होता है।
हैंस इट नेसेसरी टू इंस्टॉल डॉट नेट फ्रेमवर्क। क्या होता है, हमको डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, तो एक्जीक्यूट द मैनेज कोड, बेसिकली मैनेज कोड को एक्जीक्यूट करने के लिए। सी एल आर मैनेज मेमोरी थ्रू गार्बेज कलेक्टर। सी एल आर क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करता है गार्बेज कलेक्टर के थ्रू। अगर वहीं अनमैनेज कोड की बात करें तो अनमैनेज कोड इज अ एनी कोड दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन सी एल आर एक्जीक्यूशन। अनमैनेज कोड वैसा कोड होता है जो क्या होता है, जिस सी एल आर के ऊपर उसकी एक्जीक्यूशन जो होता है डिपेंड नहीं होता है। इट्स मीन्स डेवलप बाई एनी अदर लैंग्वेज इन इंडिपेंडेंट इन डॉट नेट फ्रेमवर्क। बेसिकली क्या होता है, जो अदर लैंग्वेज में डेवलप होता है। इट यूजेज इट्स ऑन रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन। क्या होता है, अनमैनेज कोड वो अपना इन्वायरमेंट यूज करता है कोड को रन करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये क्या होता है, जो हमारा बेसिक डिफरेंस होता है मैनेज कोड और अनमैनेज कोड।